हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यास कुकबुक। आज हम बनाएंगे चकली। चकली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। इतने सामान में 10 से 12 चकली आराम से बन जाती है। और अब सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे पानी 1 कप, देसी घी 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून। इसे दोनों हाथों के बीच में मसल के पानी में ऐड कर देंगे। सफेद तिल 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। इन्हें मिला लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, और पानी में अच्छी तरह से उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी 1/2 कप। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि सूजी में गुठलियाँ ना बने, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये एक डो की तरह ना बन जाए। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पक चुका है और एक डो की तरह बन गया है। और अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 1/2 कप। इसे सूजी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसन 1/2 कप। सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये अभी सूखा बन गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 टीस्पून। और इसे रोटी के आटे की तरह गूंद के अच्छी तरह से सॉफ्ट बना लेंगे। चकली बनाने वाली मशीन में आटे को भर देंगे और इस तरह से चकली बनाएंगे। आप चाहे तो कोई पेपर या फिर पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं चकली बनाने के लिए। और अब तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही हम चकली को तेल के अंदर छोड़ेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी चकली बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है। इसे आप ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।